हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एचपी टाइटन कमीशन में हार्दिक स्वागत है। सो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नेम है प्रेपोजिशन। ठीक है, तो वीडियो में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन, यूज़ ऑफ इन, ऑन, अंडर, अबव एंड ओवर। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन, यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रेपोजिशंस आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या कहा गया है कि ये जो प्रेपोजिशन है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन एंड प्रोनाउन का सेंटेंस के साथ रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मैंने बोला अ कैट इज ऑन द टेबल, अ कैट इज ऑन द टेबल, जो कैट है वो कहाँ पे है, टेबल के ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि ये जो ऑन है वो कैट और टेबल के बीच का रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑन है उसको हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन। अभी हमारे पास आगे है यूज़ ऑफ इन। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक जो कैट है वो बॉक्स के अंदर है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, द कैट इज़ इन द बॉक्स, द कैट इज़ इन द बॉक्स, कि जो बिल्ली है वो बॉक्स के अंदर है। अगर इसकी जगह मैंने पेन रखा होता तो मैं क्या बोलता, द पेन इज़ इन द बॉक्स। एप्पल रखा होता तो क्या बोलता, द एप्पल इज़ इन द बॉक्स। तो ये हो गया हमारा यूज़ ऑफ इन। आगे है यूज़ ऑफ ओन। ओन का मीनिंग क्या होता, के ऊपर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो पेन है वो टेबल के ऊपर है, दोनों आपस में फिजिकली टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, द पेन इज ऑन द टेबल। अगर यहाँ पे मैंने बुक रखी होती तो मैं क्या बोलता, द बुक इज ऑन द टेबल। अगर एप्पल रखा होता तो क्या बोलता, द एप्पल इज ऑन द टेबल। तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ ऑन। आगे है अंडर। अंडर मीन्स के नीचे। अभी आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि एक कैट है जो कि टेबल के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, ये जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है, ऊपर इसके टेबल है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कि ये जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या लगाएंगे, अंडर। अगर मैंने यहाँ पे पेन रखा होता, द पेन इज अंडर द टेबल। बैग रखा होता, द पेन द बैग इज अंडर द टेबल। ठीक है, तो हम अंडर कब यूज करते हैं, जब एक चीज दूसरी चीज के नीचे हो। आगे हमारा ओवर। ठीक है, यहाँ पे अभी ये जो टॉपिक्स हैं जैसे ओवर और अबव है, ठीक है, इनमें काफ़ी डिफरेंस है, एक जैसे भी है और इनमें डिफरेंस भी है, इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे ये जो ओवर है उसका क्या मीनिंग आएगा, ऊपर से। आप ये देखो, ये एक पक्षी है जो कि पेड़ के ऊपर से उड़ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, द वर्ल्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, द वर्ल्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। अभी ये देखो सिचुएशन क्या होगी, पहले ये पक्षी यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब नेचुरल सी बात है, अगर पक्षी उड़ रहा है तो वो पहले इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा। ठीक है, मूवमेंट करेगा, लेफ्ट राइट भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से आगे ये हमारा ओवर। तो ओवर का क्या मीनिंग हुआ, सॉरी अबव, अबव का क्या मीनिंग हुआ, ऊपर। ठीक है, ओवर हमने पहले अंडरस्टैंड करा था, अभी ये हमारा अबव, इसका क्या मीनिंग हुआ, ऊपर। अभी आप बोलोगे कि जो हमारा ऑन था उसका मीनिंग भी ऊपर है और ये जो अबव है उसका भी ऊपर है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप देख रहे हो कि ये जो टेबल और फैन है, ठीक है, इनमें क्या है, गैप। चाहे ये फैन टेबल के ऊपर है लेकिन ये आपस में फिजिकली टच नहीं कर रहे। ठीक है, इनमें क्या है, गैप। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, द फैन इज अबव द टेबल। अभी आप यहाँ पे बोल रहे होंगे कि ये जो पक्षी और ट्री है इनमें भी गैप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पक्षी है वो मूवमेंट कर रहा है, पहले इधर है, फिर इधर पहुँचा, फिर इधर पहुँचा, फिर आगे पहुँच गया। ठीक है, लेकिन ये जो फैन है वो चाहे घूमेगा, ठीक है, लेकिन ये अपनी जगह पे ही स्थिर रहेगा। चाहे फैन घूमेगा लेकिन अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अबव। ठीक है, क्या डिफरेंस है इनमें, कि जहाँ पे ओवर की बात की गई हो वहाँ पे चीज़ मूवमेंट कर रही होती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट मूवमेंट करती है, लेकिन जहाँ पे
अभव की बात की गई हो, वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है, जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ के ऊपर होती है, उनमें फिजिकल टच नहीं होता और जो ऊपर वाली चीज़ है वो स्थिर रहती है, एक ही जगह पे रहती है, वो चाहे घूम रही है लेकिन एक ही जगह पर है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो जय हिंद, जय भारत।